क्या आप जानते हैं 26 साल पहले भारत अंतरिक्ष की सुपर पावर बन सकता था, लेकिन भारत सुपर पावर नहीं बन पाया क्योंकि इसके पीछे एक साजिश थी जिसका खाका 1992 से बुना गया। आखिर कौन था इस साजिश के पीछे का मास्टरमाइंड और कैसे इसरो के एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के आत्मसम्मान को चूर चूर किया गया और कैसे उस वैज्ञानिक ने इतने सालों बाद अपने खोए हुए गौरव को वापस पाया, जिस पर आर माधवन रॉकेट्री द नाम्बी इफेक्ट नाम की मूवी भी जल्द ही रिलीज करने वाले हैं। जी हाँ, ये बात की जा रही है भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के प्रतिष्ठित भारतीय वैज्ञानिक 79 वर्षीय नाम्बी नारायणन की। जासूसी के फर्जी मामले में पिछले 26 सालों से न्याय मिलने की उम्मीद में बैठे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नाम्बी नारायणन को आखिरकार न्याय मिल गया। कोर्ट के आदेश के बाद केरल गवर्नमेंट ने फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी के जय कुमार को एक सटीक कंपेंसेशन तय करने की जिम्मेदारी दी, जिसके बाद अदालत के सामने 1.30 करोड़ पर समझौता हुआ। इस कंपनसेशन का चेक स्वीकार करते करते हुए नाम्बी नारायणन ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे द्वारा लड़ी गई ये लड़ाई केवल धन के लिए नहीं है, मेरी लड़ाई अन्याय के खिलाफ थी। तो कौन थे ये नाम्बी नारायणन? नाम्बी नारायणन का जन्म 1941 में केरला में हुआ, लेकिन उनका वास्तविक होम टाउन नागरकोइल तमिलनाडु है। इनका बचपन यहीं पर बीता। नाम्बी नारायणन एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया और स्कॉलरशिप की बदौलत ही अपनी पढ़ाई पूरी की। इन्होंने अपनी स्कूलिंग डीवीडी हायर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की। एक दिन अचानक इनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद परिवार को बिखरने से बचाने के लिए उन्होंने परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। कॉलेज में जब पढ़ाई के दौरान उन्होंने जॉब भी की, जिससे वे अपने परिवार का खर्चा चला सके। इसके बाद आगे की पढ़ाई जारी रखते हुए इन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। ये इतने प्रतिभावान थे कि जल्द ही अपनी काबिलियत की बदौलत नारायणन 1966 में इसरो के वैज्ञानिक बने। वो जानते थे कि भविष्य में इसरो को लिक्विड बेस्ट फ्यूल वाले इंजनों की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए इन्होंने अपने शुरुआती दिनों में लिक्विड बेस्ट फ्यूल रॉकेट टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया। एक वैज्ञानिक के तौर पर ये शुरू से लगातार अपनी सफलता के झंडे गाड़ रहे थे। इनके सामने बस एक ही ड्रीम था, भारत के क्रायोजेनिक प्रोग्राम को सफल बनाना। तो क्या था ये क्रायोजेनिक प्रोग्राम? स्पेसक्राफ्ट को भेजने में उसमें ऐसा फ्यूल यूज होता है जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। तो अब सवाल ये है कि क्रायोजेनिक बेस्ड फ्यूल की टेक्नोलॉजी क्या है? दरअसल क्रायोजेनिक इंजन 0 से बहुत ही नीचे तापमान पर काम करते हैं। -238 डिग्री फॉरेनहाइट को क्रायोजेनिक टेम्परेचर कहा जाता है। इस टेम्परेचर पर क्रायोजेनिक इंजन का फ्यूल यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लिक्विड में चेंज हो जाता है। इस फ्यूल को क्रायोजेनिक इंजन में जब जलाया जाता है, तब इस लिक्विड फ्यूल के चलते ही उससे इतनी एनर्जी निकलती है कि 4.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड इंजन दे पाता है। इसी क्रायोजेनिक इंजन के लिए भारत हमेशा से अदर कंट्रीज पर डिपेंड रहा है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी भारत के पास नहीं थी और उस समय सुप्रीम पावर कंट्री अमेरिका ने भी इस टेक्नोलॉजी को भारत को देने से इनकार कर दिया था। अब भारत के पास दूसरा विकल्प था, रशिया का। 1992 में भारत ने रशिया से डील फाइनल की, जिसके तहत रशिया क्रायोजेनिक इंजन को डेवलप करने की टेक्निक को भारत से सिर्फ 235 करोड़ रुपयों में शेयर करने वाला था, जबकि इसी टेक्निक के लिए अमेरिका ने भारत से 900 करोड़ और फ्रांस ने 600 करोड़ रुपए मांगे। उस समय अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के दबाव में आकर रशिया ने भारत को ये टेक्निक ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया, क्योंकि तब अमेरिका ने रशिया को ये धमकी दी थी कि अगर रशिया ने भारत की सहायता की तो बदले में रशिया को सीक्रेट 5 लिस्ट से हटा दिया जाएगा। 1991 में यूएसएसआर पहले ही विघटित होकर अपनी ताकत खो चुका था, इसीलिए रशिया ने फ्रांस और अमेरिका के दबाव में आकर ये डील फाइनल करने से मना कर दिया। साथ ही भारत को क्रायोजेनिक इंजन देने से भी मना कर दिया, जो भारत ने रशिया से मांगे थे। अब रशिया के इस इनकार के बाद भारत के सामने एक ही विकल्प बचा था कि वो खुद क्रायोजेनिक इंजन को डेवलप करे। तब इसरो ने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का विकास करने का फैसला किया और नाम्बी नारायणन को इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बनाया गया। नाम्बी नारायणन वही व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार भारत में लिक्विड फ्यूल टेक्नोलॉजी का विकास किया। इसरो का PSLV इसी टेक्निक पर आधारित इंजन का इस्तेमाल करता है।
अमेरिका किसी और देश को अंतरिक्ष कार्यक्रम में आगे बढ़ते नहीं देख सकता था। उसी समय शक्ति के नशे में चूर अमेरिका के सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने एक षड्यंत्र रचा। बात 1994 की है। केरल पुलिस ने मालदीव से बिलोंग करने वाली जासूस मरियम रशीदा और फौजिया हसन के खिलाफ वीजा एक्सपायर होने के बावजूद भारत में रहने के लिए केस दर्ज किया। जब इन्हें पकड़ा गया तो पता चला कि ये जासूस भी है। पूछताछ के बाद इन्होंने क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट के डायरेक्टर नाम्बी नारायणन का नाम ले लिया। आरोप था कि नाम्बी नारायणन दुश्मन देशों को काउंटी के क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी के गोपनीय दस्तावेज और जानकारी को ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक अगले ही महीने केरल पुलिस ने इसरो के दो बड़े वैज्ञानिक डी शशि कुमार और नाम्बी नारायणन को गिरफ्तार कर लिया। इन पर आरोप था कि इंजन के विकास से जुड़ी जानकारी विदेशी एजेंट को सौंप रहे हैं। साथ ही आरोप था कि ये सारे के सारे मॉडल्स के डिजाइन पाकिस्तान को लाखों रुपयों में बेच रहे हैं। नाम्बी नारायणन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो चुका था। इस पूरी साजिश में पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व थे। देश को स्पेस मिशन में आगे बढ़ने से रोकने के लिए ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। 23 अक्टूबर 2017 को उनकी ऑटोबायोग्राफी ओरम कालुदे ब्राह्मण पथम रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि 50 दिन तक इन्हें जेल की सलाखों के पीछे रखा गया। इंटेरोगेशन के दौरान इन्हें खूब मेंटली और फिजिकली टॉर्चर भी किया गया। इन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गई। उन्हें 30 घंटे तक खड़ा रखा गया जब तक ये बेहोश होकर गिर नहीं गए। साथ ही इन्हें गद्दार और देशद्रोही घोषित किया जा रहा था। इस बीच इनके परिवार ने बहुत कुछ सहा। इनके परिवार को मंदिर जाने पर पुजारी प्रसाद नहीं देते थे। बच्चों को मसाज में तिरस्कार झेलना पड़ रहा था। सोसाइटी के लोग इनके परिवार से नफरत करने लगे। इनके साथ साथ परिवार भी देशद्रोही करार किया जाने लगा। इनकी पत्नी मीना नारायणन एक बार ऑटो रिक्शा से किसी काम से बाहर जाने के लिए निकली तो रिक्शा ड्राइवर ने उन्हें रिक्शे में बिठाने से इनकार कर दिया। घर के सामने नारायणन के पुतले जलाए जा रहे थे। इनकी पत्नी पूरी तरह डिप्रेशन में जा चुकी थी और किसी से भी बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया था। उस समय इसरो भी नाम्बी के सपोर्ट में नहीं आ पाया क्योंकि इसरो कानूनी मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। नाम्बी नारायणन भी अब टूट चुके थे। एक बार इनके दिमाग में सुसाइड करने की भी बात आई, लेकिन तब ये अपनी फैमिली को याद करके मजबूती से डटकर साजिश के खिलाफ लड़ने के लिए खड़े हो गए। 1996 में CBI ने मामले को फर्जी मानते हुए केस बंद करने की सिफारिश की और अपनी रिपोर्ट में कहा कि जिन अधिकारियों ने इस केस को गलत तरीके से पेश किया उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। अदालत ने भी मामला खारिज कर दिया और नाम्बी नारायणन को क्लीन चिट दे दी, लेकिन सरकार ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। मुकदमा 1998 तक चलता रहा। इसके बाद इनके खिलाफ कोई ठोस सबूत न मिलने के कारण एक बार फिर से मामला खारिज हो गया। नारायणन के ऊपर अब कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। वो पाक साफ निकले, लेकिन उनके मन की चुभन फिर भी कम नहीं हुई क्योंकि गलत सरकारी तंत्र ने उनकी छवि खराब करते हुए उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई थी। इसीलिए 1999 में नाम्बी नारायणन ने अपने सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए और उचित मुआवजे के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। साल 2001 में NHRC ने केरल सरकार को ₹10 लाख के मुआवजा राशि देने को कहा। तब सरकार ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। 2012 में हाई कोर्ट ने भी NHRC के फैसले को बरकरार रखा। अब नाम्बी नारायणन इस रवैये से बहुत थक चुके थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए 2018 में दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया और साथ ही कहा कि फर्जी मामले में नारायणन की गिरफ्तारी गलत थी। उन्हें फंसाया गया था, इसीलिए उन्हें 50 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया जाए, लेकिन ये भी कहा गया कि नारायणन इससे ज्यादा के हकदार है, इसीलिए उन्हें निचली अदालत में जाना चाहिए। कोर्ट का आदेश आते ही केरल सरकार ने नाम्बी नारायणन को 1.30 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया। इस विषय पर एक मूवी भी जल्द ही रिलीज करने वाले हैं। इस फिल्म को लेकर डायरेक्टर आर माधवन ने कहा कि ये एक नायाब हीरो की असाधारण कहानी की बायोपिक है। फिल्म का नाम है रॉकेट्री द नाम्बी इफेक्ट। आर माधवन इस फिल्म में नाम्बी नारायणन का किरदार निभा रहे हैं, जबकि शाहरुख खान इस फिल्म में एक कैमियो की भूमिका में है। इस फिल्म के डायरेक्टर और राइटर आर माधवन है। फिल्म को 6 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज किया जाएगा। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होती ही सुर्खियां बटोर रहा है। फिल्म का एक डायलॉग बहुत ही फेमस हो चुका है, जिसमें कहा गया है, कुत्ते को मारना हो तो उसे पागल घोषित कर दो और किसी इंसान को बर्बाद करना हो तो उसे देशद्रोही करार दे दो। 2019 में उन्हें भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। फर्जी जासूसी केस में न सिर्फ इस महान वैज्ञानिक का करियर तबाह हुआ, बल्कि भारत के अंतरिक्ष वाली महत्वाकांक्षी परियोजना पर भी ब्रेक लग गया।
उस समय अगर भारत इस परियोजना में सफल हो जाता तो आज इसरो 15 साल आगे होता। न्याय तो मिला, लेकिन इतने साल जो इस महान वैज्ञानिक नंबी नारायणन और भारत के बर्बाद हुए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? और क्या इस बर्बाद होने वाले समय की भरपाई संभव है? धन्यवाद।